साथ ये कहना पड़ता है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव अभियान समाप्त करने के बाद कन्याकुमारी में मंदिर में जाकर मौन साधना कर रहे हैं, उसको लेकर भी इस प्रकार की राजनीति की जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि हिंदू धर्म संस्कृति के प्रतीकों से, तीर्थ स्थलों से, मंदिरों से आपके मन में जितना भी अवमानना हो, वैमनस्य हो, विद्वेष हो, पर क्या मौन साधना करने के प्रति भी आपके मन में कितना विद्वेष भरा हुआ है? क्या ये इसलिए भरा हुआ है क्योंकि आपका एजेंडा है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, या इसलिए कि आपका अभियान है कि जो भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म में शक्ति है उससे आपको लड़ना है? बस यही अंतर है। माननीय प्रधानमंत्री जी देवी मां के मंदिर में जाकर शक्ति की आराधना कर रहे हैं और आपको न भारत का पता है न भारत के स्वरूप का पता है। जिस क्षण वो जाकर कन्याकुमारी के उस मंदिर में श्रद्धा से, शुद्ध अंतःकरण से देवी की आराधना करते हैं, तो उस क्षण कोई भी भारतीय किसी भी कोने में जाकर यदि देवी की आराधना करे तो स्वतः उसका भाव उत्तर में वैष्णो देवी, पश्चिम में मुंबा देवी, पूर्व में कामाख्या देवी, त्रिपुर सुंदरी या कोलकाता की काली मां या विंध्यवासिनी जी से जुड़ जाता है। और इतना ही नहीं, यदि कोई हिस्से हमारे देश में नहीं भी हैं तो बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जाकर जुड़ जाता है। ये उन लोगों के समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो शक्ति के साधक नहीं है, वो शक्ति के बाधक हैं, वो उसके ऊपर आक्षेप करने के लिए, लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। इसीलिए उन्हें यह समझ में नहीं आएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस विवेकानंद रॉक पे जाके साधना कर रहे हैं जहां स्वामी विवेकानंद जी ने साधना करने के बाद यह उद्घोष किया था कि भारत माता दिव्य शक्ति के साथ युक्त होकर पुनः विश्व का मार्गदर्शन देने के लिए आने जा रही है। और वो समय एक शताब्दी दूर है और एक शताब्दी बाद वह समय दिखने लगा। उन्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने तो वंदे मातरम से वो हिस्सा भी हटा दिया था जो भारत की इस शक्ति के उस स्वरूप को दिखाता था, जो सिर्फ हमारे यहां गाया जाता है, जो हम कहते हैं अबला केनोमा एत बोले बहुते तुमीमा शक्ति हृदये तुमीमा भक्ति तुमी दुर्गा दश प्रहर धारणी कमला कमल दल विहारणी। तो वो दुर्गा के रूप में कमल के ऊपर विराजमान मां है, आपको वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बहुत कष्ट और वेदना के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि एक उस मौन तपस्वी राजनेता के, जिसने मोदी जी के रूप में अपने को यह आदर्श दिया कि यह तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, और वो स्वयं बोल चुके हैं कि वो गाली प्रूफ हो चुके हैं, मगर मुझे लगता है ये वो लोग हैं जिनके कलेजे पर सांप लौट रहा। वो कहते हैं कि साहब टीवी में दिख क्यों रहा है? इन्हें कभी इस बात का बुरा नहीं लगा कि जब वो रोजा अफ्तार की दावत करते थे तो ना बुलाने वाला रोजादार होता था, न आने वाला रोजेदार होता था, न खाने वाला रोजेदार होता था, उसके बाद भी जम के प्रचार होता था। खामखा का रोजा अफ्तार होता था और खामखा का प्रचार होता था, मगर इसको लेकर उनके दिल में जरा भी सवाल नहीं उठता था। और मैं पुनः कहना चाहूंगा, आज प्रधानमंत्री जी की इस मौन साधना का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनकी तीन पीढ़ियों ने जाके बाबर की कब्र के ऊपर मौन श्रद्धांजलि दी है। 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी जी, 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह, जिनको बाबर की कब्र पे जाकर सर झुकाकर श्रद्धांजलि देने में शर्म नहीं आई, उन जिनको इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों का प्रचार करने में शर्म नहीं आई, वो आज एक मौन साधना करने वाले प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार की जो आलोचना कर रहे हैं वो बहुत दुखद है। 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.